हेलो एवरीवन, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय से वैकेंसी आई है। टीजीटी, पीजीटी और हॉस्टल वार्डन की सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी है। यहाँ पर सैलरी काफ़ी अच्छी है, 45,000 यहाँ पर आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है। कोई एग्जाम नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई इंटरव्यू भी नहीं रखा गया है। तो सिलेक्शन कैसे रहेगा? यहाँ पर सिलेक्शन आप लोगों की क्वालिफिकेशन के जो अंक है उसके आधार पर रहने वाला है। बिना सीटेट के भी जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं पर भी जो है सीटेट नहीं लिखा हुआ है कि आप लोगों की जो है ज़रूरत है सीटेट की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन दिखा देती हूं, जो कि मेन वेबसाइट से ही लिया है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल दलवारी। कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। 29 सितंबर 2023 को जो है ये एडवर्टीजमेंट जारी हुआ है। सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट दिए गए हैं, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन दिया गया है। पीजीटी के लिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट आपका सब्जेक्ट में होना चाहिए और साथ में बीएड मांगा गया है, ठीक है, सीटेट नहीं मांगा गया है। तो पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर्स के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट देखें, इंग्लिश, हिंदी थर्ड लैंग्वेज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में अकाउंटेंसी और कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़ है। नेक्स्ट ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए जो है यहाँ पर बीएड, यानी बीएड तो पीजीटी और टीजीटी दोनों में चाहिए। तो टीजीटी में सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, असामीज, बोडो, मैथमेटिक्स है, उसके बाद बीए इंग्लिश ऑनर्स से, बीए हिंदी ऑनर्स, बीए असामीज ऑनर्स, बीए बोडो ऑनर्स और बीएससी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है। तो इस सब की वैकेंसी है। नेक्स्ट टीजीटी साइंस की वैकेंसी है, टीजीटी सोशल साइंस की है और उसके बाद जो है यहाँ पर टीजीटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसकी भी वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर बीएड ही जो है चाहिए, यहाँ पर सीटेट नहीं मांगा गया है। हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है, तो केवल हॉस्टल वार्डन में जो है यहाँ पर केवल जो है ग्रेजुएट डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी में भी आपने किया हो, तो हॉस्टल वार्डन की दो पोस्ट हैं। तो इसकी जो है वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हॉस्टल वार्डन की भी जो है सैलरी काफ़ी अच्छी आप लोगों को मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन आगे और भी दी गई है। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर दी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, 30 सितंबर सैटरडे से जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। लास्ट डेट रहने वाली है 10 अक्टूबर ट्यूजडे तक, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को जाना है 11/10/2023, 11 अक्टूबर 2023। एज लिमिट जो है यहाँ पर लिखी गई है मिनिमम 21 और मैक्सिमम 60, यानी 21 से लेकर जो है 60 ईयर तक के स्टूडेंट जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आप देख लें, मैंने आपको बता दिया अभी, टीजीटी में बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और बीएड, पीजीटी में मास्टर डिग्री जिस भी सब्जेक्ट से जो है आप लोग फॉर्म फिल करेंगे और साथ में बीएड। हॉस्टल वार्डन के लिए जो है यहाँ पर केवल ग्रेजुएट, उसके बाद जो है सैलरी जो है यहाँ पर तो गेस्ट टीचर्स रहेंगे ये, और प्योरली जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी रहने वाली है। गेस्ट टीचर्स पीजीटी में यहाँ पर 320 जो है पर पीरियड और टीजीटी में 300 पर पीरियड, यानी अगर मंथली इनकम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मंथली बेस पर भी दिखाया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को 45,000 पर मंथ और टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स को 42,000 पर मंथ आप लोगों को सैलरी मिलेगी। हॉस्टल वार्डन के लिए जो है यहाँ पर 36,000 पर मंथ जो है मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर सैलरी पर मंथ मिलने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, तो आप लोगों को जो है ऑनलाइन ही जो है फॉर्म फिल करना पड़ेगा और जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप लोगों को दिए गए स्थान पर पहुंच जाना है डॉक्यूमेंट के साथ में। दो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आप लोग इनकी ले जाएंगे जो यहाँ पर लिखे हैं, दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और उसके बाद आईडी आपकी, पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो भी ले लेंगे आप, 10th की मार्कशीट ले लेंगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट की मार्कशीट, बीएड की मार्कशीट और अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, इफ एनी, अगर कोई है तो आप ले जाएं, ठीक है। और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो जो है कंपलसरी भी नहीं है। जगह जो है यहाँ पर बताई है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बक्सा मुशालपुर, ये पिन कोड है और ये जगह कहाँ है, ये असम में है, ठीक है, असम राज्य में है। EMRS सोसाइटी, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ से रिक्रूटमेंट आई है, एंगेजमेंट ऑफ 27 पोस्ट ऑफ गेस्ट टीचर्स एंड 2 पोस्ट ऑफ हॉस्टल वार्डन, ठीक है। तो गेस्ट टीचर्स की वैकेंसी है और ये चीज़ भी जो है यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली लिख दी गई है कि यहाँ पर जो है कितने समय तक जो है वो आप लोग टीचर्स रह सकते हैं। तो यहाँ पर प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है
और यहाँ पर जब तक रेगुलर टीचर ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक जो है यहाँ पर टीचर्स को रखा जाएगा। ईएमआरएस के जो है फॉर्म भरे गए हैं और अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एग्ज़ाम होगा उसके बाद जो है रिजल्ट, तो अभी जो है कम से कम 1-1.5 साल जो है इसमें आप लोगों का लिया जाएगा। और डेट भी जो है कोई डिसाइड नहीं है कि आप लोगों का जो है एग्ज़ाम अभी कब है, कोई भी डेट जो है वो मेंशन नहीं की गई है। तो तब तक जो है यहाँ पर गेस्ट टीचर्स जो है वो रखे जाएंगे। तो यहाँ पर मेन वेबसाइट पर आप लोगों को आना है, nyukti.assam.government.in, इस पर आप आएंगे। नीचे आप देखेंगे सेकंड पर ही गेस्ट टीचर पीजीटी, गेस्ट टीचर टीजीटी, होस्टल वार्डन, तो यहाँ पर डाउनलोड नोटिफिकेशन है और यहाँ पर है व्यू डिटेल। तो व्यू डिटेल पर जो है वो आप लोगों को क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्लिक हेयर टू व्यू द एडवर्टीजमेंट, सबसे पहले एडवर्टीजमेंट को पढ़ लेंगे जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दी है। उसके बाद जो है कैसे अप्लाई करना है तो पूरा प्रोसीजर जो है यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा इस पर क्लिक करते ही। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो है आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है, जैसे ही नोटिफिकेशन आया है वैसा ही मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।